हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीसी की धारा 164 के बारे में कि सीआरपीसी की धारा 164 क्या होता है और 164 के अंतर्गत किनका बयान लिया जाता है, कहां पे इनका बयान होता है और इसका कोर्ट में इस बयान का कितना महत्व होता है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद सबसे पहले कंप्लेनेंट जो है उन कंप्लेनेंट का 161 का बयान थाने में लिया जाता है। पुलिस ऑफिसर 161 का बयान लेते हैं। 161 का बयान होने के बाद कोर्ट में 164 का बयान होता है। 164 का बयान सभी प्रकार के केस में नहीं होता है, खासकर देखा जाता है कि जो भी बड़े ही धारे वाले केस होते हैं, जैसे कि पॉक्सो का कोई केस है, जो नाबालिग बच्चों के साथ, बच्ची के साथ जो कोई दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ बलात्कार करता है, तो उस स्थिति में जो केस होता है उसमें जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है उनका 164 का बयान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है। 161 का बयान थाने में होता है, 164 का बयान कोर्ट में लिया जाता है। दूसरी बात आती है जो 376 का केस होता है उसमें भी 164 का बयान कोर्ट में लिया जाता है। इसके बाद कई ऐसे केस होते हैं जिसमें आरोपी का बयान भी कोर्ट में लिया जाता है 164 का। 164 का बयान और 161 के बयान दोनों में बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि 161 का बयान जो है वो पुलिस ऑफिसर डरा धमका के, कभी कभार उसको मारपीट के भी 161 का बयान जबरदस्ती ले लेते हैं, जो वो नहीं बोलता है व्यक्ति, आरोपी जो नहीं बोलता है, जो व्यक्ति जो कंप्लेनेंट होते हैं वो नहीं भी बोलते, वो भी वहाँ पे वो लिख लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं और उसको कोर्ट में फाइल कर देते हैं चार्जशीट के साथ। लेकिन 164 का बयान ऐसा नहीं होता है। 164 का जो बयान है, 164 का जो बयान है, उसको सबस्टिट्यूट एविडेंस भी माना जाता है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है और सारे ही केसों में 164 का बयान नहीं लिया जाता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो रेप का केस होता है, पॉक्सो का केस होता है, इस तरह के जो केस होते हैं या जो भी कोई ऐसे मर्डर का केस है उसमें भी हो सकता है 164 का बयान कोर्ट में लिया जाता है। तो इन सभी केस में 164 का बयान लिया जाता है और इसको एविडेंस के रूप में भी लिया जाता है। 164 के बयान और 161 के बयान को देखते हुए ही जो वकील साहब होते हैं एक्यूज्ड के, उस पर अपना एविडेंस भी तैयार करते हैं, चीफ एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन के द्वारा लिया जाता है, फिर वो उसका क्रॉस भी करते हैं। तो कहा जाए मोटे तौर पे तो 164 धारा जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है सीआरपीसी में, और उनके तहत जो बयान कोर्ट में लिया जाता है वो एविडेंस के रूप में भी माना जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि 161 का जो बयान हुआ वो 164 का जो बयान दिया गया वो, और फिर उसके बाद जो एविडेंस होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, उसमें भी जो चीफ एग्जाम होता है, जो चीफ एग्जामिनेशन किया जाता है कंप्लेनेंट का, उस समय में वो कुछ गलत भी बोलते हैं, जो 164 के बयान में दिए हैं उससे कुछ उल्टा उसमें बोल देते हैं, तो उस समय में उसको हॉस्टाइल माना जाता है और उस स्थिति में उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो कोशिश ये रखें कि जो आपने 164 के बयान में बोला है वही वहाँ पे भी बयान दें, बयान को पलटे नहीं तो उसको हॉस्टाइल माना जाता है, ये स्थिति आ सकती है। तो 164 का बयान बहुत ही महत्व रखता है कोर्ट में, इसीलिए 164 का बयान हर केस में लिया भी नहीं जाता है, किस जो ऐसे ही जुर्म होते हैं उन्हीं में 164 का बयान लिया भी जाता है। तो 161 का बयान थाने में होता है और 164 का बयान कोर्ट में लिया जाता है, और 164 के बयान को हम एविडेंस के रूप में भी मानते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए